ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो बिगिनर्स हैं या जो स्केचिंग करना सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल, छोटे छोटे सब्जेक्ट पे ट्यूटोरियल वीडियो पोस्ट करूँगा, ताकि उन लोगों को, जो लोगों को कहीं बिना सीखे कहीं जाए, वो अपने घर में रह कर अपना स्केचिंग आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ समझाऊंगा, बेसिक जो पेंसिल का यूज़ होता है। वैसे मैं स्केचिंग का मतलब होता है पेंसिल और रबर का यूज़ करके आपको कोई भी पोर्ट्रेट को पेपर पे इम्प्लीमेंट करना, तो उसी चीज़ को मैं आपको, आपके सामने यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो इसमें सबसे बड़ा यूज़ है पेंसिल का और इरेजर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेंसिल टाइप्स ऑफ पेंसिल, कितने टाइप की पेंसिल होती है उनका यूज़ बताऊँगा, और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो इरेजर का नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है मेरे पास, ये टोम्बो का, सॉरी स्टेडलर का, ये ग्रेफाइट पेंसिल है। इस पेंसिल का यूज़ आप जैसे आउटलाइन बनाने के लिए एज अ पेन कर चला के कर सकते इस टाइप से। जैसे अगर आपको कोई पोर्ट्रेट बनाना है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन करनी है, इसका मेन यूज़ ये है कि इसको बार बार शार्प नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर पेंसिल का आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो बार बार शार्प करना पड़ता है, तो इससे आपको शार्प नहीं करना पड़ता है, ऐसा होल्ड करना इजी होता है। इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस मैकेनिकल पेंसिल बोलते हैं इसका, और इसकी जो रिफ़िल होती है वो अलग से मिलती है मार्केट में। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आप रिफ़िल अलग से परचेज़ करके और उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल पेंसिल का यूज़, ठीक है, ऐसा पलटा लेता हूँ। मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ हो गया। अब दूसरा आपको बताना चाहूँगा मैं, ये मेरे पास इतनी सारी पेंसिल्स है, आर्ट लाइन का पेंसिल का पूरा सेट है। ये अगर आप देखेंगे तो ये होती है उसकी रिफ़िल, ये मार्केट में लगभग 7 में मिलती है। जब ख़त्म अगर हो जाएगी तो आप इसकी रिफ़िल निकाल के उसमें डाल सकते हैं। ये रहा मैकेनिकल ये रहा आर्ट लाइन का ग्रेफाइट पेंसिल। ये आर्ट लाइन ब्रांड है स्केचिंग पेंसिल्स। इसमें डिफरेंट ग्रेड रहती है, HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, H, 2H, ये डिफरेंट टाइप की ग्रेड रहती है। ये 6 पेंसिल का एक सेट आता है, और इसका प्राइस 70 रुपीज़ का है ये 6 पेंसिल। तो ये आप इनका यूज़ कैसे रहेगा ये आपने, मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये रहा HB पेंसिल। तो ये HB पेंसिल है। HB पेंसिल का यूज़ ये देखिए, HB पेंसिल से जब आप कोई शेड बनाते हैं या कोई पोर्ट्रेट में उसका यूज़ करते हैं, तो इस टाइप से आप HB पेंसिल आपको ये शेड देगा, ठीक है। इस टाइप से लाइट शेड आता है, HB मतलब लाइट हो गया, 2H, 4H, 6H, ये इसकी डार्कनेस बढ़ते जाती है। तो ये HB पेंसिल है। उसके बाद में मैंने सभी का नहीं दिखा के डायरेक्ट 4B और 10B का बता दिया, ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। तो ये 4B में आप देखेंगे तो ये रहा 4B आपके पास। 4B से आपको इस टाइप का शेड टेक्सचर मिलेगा, ऐसा शेड मिलेगा ये देखिए। और जब आप कहीं बड़ी सरफेस को अगर आपको डार्क करना हो तो पेंसिल को जनरली इस टाइप से पकड़ना चाहिए, ताकि वो सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए और एक कॉन्स्टेंटली मतलब वो यूज़ हो पाए इसका। ऐसा अगर आप इसको इस तरह से करेंगे ना तो ये लाइनिंग दिखाएगा ऐसा, ठीक है। और अगर वो तो अपने यूज़ के ऊपर, अगर आपको इस टाइप से करना अगर अच्छा लगे या आप कर सकें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जनरली मैं इस टाइप से करता हूँ उसका यूज़। तो ये रहा 4B पेंसिल। उसके बाद में ये सेम चीज़ है ये 10B का। तो 10B का यूज़ आप करते हैं तो 10B का टेक्सचर ऐसा मिलता है। तो ये तो हुआ कि आप बड़ी सरफेस को किस तरह आप बड़ा डार्कनेस करके उसका यूज़ करते हैं पेंसिल का। अब साथ ही साथ मैं आपको इसमें ये तो इसको ब्लेंडिंग का और बता देता हूँ साथ ही में इसमें। तो इसको जब आप इस टाइप से आप यूज़ करते हैं तो पेंसिल में इस टाइप से आपको ये थोड़ा सा वाइट और ये टेक्सचर दिखता है। तो इस चीज़ को अगर आप ऐसा ही रहने देंगे तो वो मतलब पेपर पे फिनिशिंग दिखाई नहीं देगी। तो उस चीज़ को आपको फिनिशिंग लाने के लिए, एक स्मूथ लेयर दिखने के लिए आप इसको ब्लेंडिंग करते हैं। तो ये होता है ब्लेंडिंग टूल, पेपर ब्लेंडिंग टूल है ये। 6 पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प है ये। 6 अलग अलग साइज के आते हैं, ये सबसे मोटा है, इससे पतला, और ये इस टाइप से, ये 2-3 और 5-6 इस टाइप के।
तो इनका यूज़ आप ब्लेंडिंग के लिए कर सकते हैं। ये होता है ब्लेंडिंग करना, तो ये देखिए जब आप इसको ब्लेंडिंग कर देंगे अच्छे से, तो आपकी सरफेस जो है ना ये इस टाइप से एक स्मूथ सरफेस आपके पास दिखाई देने लग जाएगी, जो कि एक स्केचिंग में इसका मोस्टली यूज़ होता रहता है। ये देखिए ठीक है ना, इसका यूज़ किए बिना आपका जो आपने पोर्ट्रेट बनाया है या जो भी आर्ट बनाई है वो ज़्यादा फिनिश नहीं दिखती। तो ये एक इस टाइप से HB का अगर यूज़ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सेम थिंग अगर आप 4B अपने जो सरफेस बनाई थी अगर आप उसका उसमें भी ब्लेंडिंग करेंगे तो ये देखिए कहाँ वो किस टाइप से दिखाई देने वाला था, और वो जब आप उसको ब्लेंडिंग कर लेते हैं कभी कभी इस टाइप से भी क्रॉस ब्लेंडिंग भी करना होती है। तो ये देखिए इस टाइप से जब आप उसमें ब्लेंडिंग कर ली तो आपकी सरफेस जो है ना स्मूथ हो जाती है। और कभी भी जब अगर आपको डार्क पोर्शन बनाना हो कहीं, जैसे हेयर बनाना हो या कोई कहीं पर भी ऐसा कि जहाँ पर डार्कनेस दिखानी हो, तो आप क्या करिए सबसे पहले HB से करिए, उसके बाद लेयर चढ़ाइए 4B की और उसके बाद चढ़ाइए 10B की। अगर डायरेक्ट आप 4B से करेंगे तो लगभग आपकी सरफेस उतनी स्मूथ नहीं दिखेगी, थोड़ा सा ये वाइटनेस रह ही जाती है क्योंकि पेपर होता है, पेपर थोड़ा सा रफ होता है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये हो गया 4B। अब सेम चीज़ है ये 10B के लिए। जब 10B का आपने जब उसको पेपर पे मतलब यूज़ किया था तो इस टाइप से आपके पास टेक्सचर मिला था। अब ये देखिए ब्लेंडिंग करने के बाद में आपके पास 10B का किस तरह से डार्कनेस होती है इनकी ग्रेड के अनुसार, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको डार्क सरफेस बनानी है कहीं पर भी, अगर किसी भी पोर्ट्रेट में या कहीं पर भी स्केचिंग आर्ट में, तो आप यूज़ करिए सबसे पहले HB, फिर 4B कर लीजिए, उसके बाद में 10B करिए। ये तो अलग अलग मैंने किए, डायरेक्ट 10B किया इसलिए इस टाइप से दिख रहा है। अगर ये इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये अगर करेंगे तब एकदम ब्लैकनेस आती है, बढ़िया से डार्कनेस आती है, तब वो सही यूज़ हो पाता है। तो ये तो रहा आर्ट लाइन की अगर आप बिगिनर हैं तो आर्ट लाइन की पेंसिल आप बाय कर सकते हैं, एकदम रेट भी रीजनेबल है और यूज़ में भी काफ़ी अच्छी है। आप इनका यूज़ करेंगे तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ इस आर्ट लाइन की पेंसिल से, मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ करता हूँ अपने आर्ट में। दूसरी टाइप की पेंसिल होती है उसको बोलते हैं ये मैं अपना चारकोल पेंसिल्स है मेरे पास है, जो कैमलिन की चारकोल पेंसिल है। ये देखेंगे आप तीन चारकोल पेंसिल है, मीडियम और हार्ड और सॉफ्ट, ये तीन ही पेंसिल आती हैं हार्ड मीडियम और सॉफ्ट, इसमें कोई ग्रेड नहीं होती है। ये हार्ड है तो थोड़ा सा लाइट चलती है, सॉफ्ट है तो ज़्यादा डार्क चलेगी, और न्यूट्रल मतलब मीडियम है तो मीडियम चलेगी। तो ये आप देखेंगे आप इस टाइप से उनका जब आप यूज़ करते हैं तो ऐसा टेक्सचर आता है। ये रहा हार्ड का, जब हार्ड को आप ब्लेंडिंग करेंगे तो ये इसमें थोड़ा सा एक मॉइस्चर टाइप का होता है क्योंकि चारकोल है ये, तो मॉइस्चर टाइप का होता है। तो ये देखिए इस टाइप से ब्लेंडिंग करने पर ये इस टाइप से दिखता है। तो चारकोल पेंसिल का एक अलग यूज़ है, कुछ लोग होते हैं जो चारकोल पेंसिल से ही आर्ट बनाते हैं, कुछ है कि ग्रेफाइट से बनाते हैं। ये रहा चारकोल से इस टाइप का टेक्सचर आता है, वो देखिए सेम ग्रेफाइट में अगर वही देखेंगे आप तो एक कैसा दिख रहा है और चारकोल में किस टाइप का, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है इसमें। दूसरा ये रहा मीडियम या न्यूट्रल, इसका यूज़ कर इसमें इस टाइप से हो जाएगा ये, जब आप इसको ब्लेंडिंग करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का। और इसमें एक और मैं इसका मतलब डिमेरिट बोलना चाहिए, इसमें से एक डस्ट निकलती है, जब आप इस पर फिंगर रखेंगे तो ये आपके हाथ में लग जाएगा है ना, तो ये ज़्यादा जितना डार्क होगा उतना ज़्यादा इसमें से ये डस्ट भी निकलता है, तो इसका एक अलग मतलब यूज़ है। ये देखिए आपने आसपास देखा होगा ये डस्ट निकल गई है। और ये है उसका सॉफ्ट में, तो आपका ब्लेंडिंग स्टम्प ही कुछ उसमें ऐसा मतलब ऐसा चिपक जा रहा है थोड़ा सा, उसमें इस टाइप का सॉफ्ट, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। तो इसका एक अलग यूज़ है, हर एक चीज़ का अलग अलग यूज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो इसका यूज़ तो आप मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इसका यूज़ खासकर जो आप पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें नहीं करें, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता है, पर अलग अलग ब्लैक अगर यूज़ करना है तो आप उसका कर भी सकते हो। तो ये रहा इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि किस टाइप की ग्रेड होती है और किस टाइप से आप पेंसिल्स का यूज़ करते हैं और उसमें अलग अलग टेक्सचर प्राप्त करते हैं, और साथ साथ ब्लेंडिंग, हाउ टू ब्लेंडिंग कैसे की जाती है, वो चीज़ मैंने आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताया। तो ये इस टाइप से आप अगर आप डिफरेंट पेंसिल्स का यूज़ करते हैं तो आपको डिफरेंट यूज़ पता चलेंगे आपको उसके।
तो ये मोस्टली इस मतलब स्केचिंग आर्ट में देखा जाए तो यही सब यूज़ रहता है, पेंसिल का और इरेजर का। तो रहा ये तीनों दोनों टाइप की पेंसिल्स का मैंने आपको आज के इस वीडियो में यूज़ बताया। तो अब इसके बाद में